गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के एडोलेसेर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। असल में किशोर अवस्था बचपन से वयस्कता की ओर संक्रमण की एक स्थिति है और बचपन के अनुभव ये निर्धारित करते हैं कि एक किशोर का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन पूरी तरीके से बच्चे में होने वाले फिजिकल चेंजेस और समाज में होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं। एडोलेसेंस को स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ का पीरियड भी कहा जाता है। किशोर अवस्था तनावों से भरी हुई अवस्था है, क्योंकि इस समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, जिससे बच्चा बहुत आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाता। और ये वो समय है जबकि वो एजुकेशन में भी इन्वॉल्व है, समाज के नियम भी सीख रहा है, तो इस समय उसमें अलग ही प्रकार की स्ट्रेस उत्पन्न हो जाती है। अध्ययन की सुविधा के लिए एडोलेसेंस की अवस्था को हम तीन भागों में रखकर पढ़ सकते हैं, अर्ली एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस। यहाँ पर जो हमने एज का क्राइटेरिया दे रखा है, ये रफ क्राइटेरिया है, फिर भी थोड़ा सा एक जस्ट आइडिया लेने के लिए। तो अर्ली एडोलेसेंस को हम मार्क करते हैं ग्रोथ से। ये वो समय है जब बच्चे में तेजी से शारीरिक विकास होने लगता है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है और मसल्स जो है वो भी फर्म होने लगती हैं, स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। दूसरी स्टेज जो आती है वो है माइल्ड एडोलेसेंस, सॉरी मिड एडोलेसेंस की। इस स्टेज में शारीरिक विकास तो पहले से ही चल रहा है, इस स्टेज में बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग अपनी अलग आइडेंटिटी बनाता है, उसका अपने दोस्तों के प्रति झुकाव होने लगता है और वो तरह तरीके के प्रयोगों में इन्वॉल्व होने लगता है। तीसरी जो स्टेज हमने यहाँ पर मानी है वो है लेट एडोलेसेंस की। ये एक तरीके से किशोरावस्था का अंत की स्टेज है, यानी ये वो समय है जबकि बच्चा लगभग एडल्ट हो जाता है, उसमें सारी शारीरिक विशेषताएं विकसित हो जाती हैं और वो अपना एक अलग आइडेंटिटी डेवलप कर चुका होता है, उसकी अपनी राय होती है और उसकी अपनी एक सोचने की शक्ति वो विकसित कर चुका होता है। तो हम एडोलेसेंस को सरल भाषा में यदि कहें तो जैसे हम बात करते हैं 13 टू 19 ईयर एज ग्रुप जो है उसे हम एडोलेसेंस में रख सकते हैं। और सरल भाषा में हम किशोर अवस्था उस अवस्था को मानते हैं जबकि बच्चे में एक शारीरिक लैंगिक विकास दिखाई देने लगता है और इसकी समाप्ति तब मानी जाती है जब उसमें सारे शारीरिक विकास के लक्षण पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं और बच्चा साइकोलॉजिकली मैच्योर हो चुका है, मनोवैज्ञानिक रूप से मैच्योर हो चुका है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो किशोरावस्था में देखने में आती है, किशोर फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग यूज कर सकते हैं जिससे वो अपनी समस्या का समाधान करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है, यानी चीज़ों के एब्सेंस में भी उनके बारे में सोच सकता है और वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग कर सकता है, अर्थात वो ये अनुमान लगा सकता है कि इसके बाद क्या होगा। ये समझ एक बालक में किशोर अवस्था में आती है। अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। तो सबसे पहली जो विशेषता, शारीरिक विशेषता देखने में आती है, जो लड़का हो या लड़की, उनकी हाइट इस समय बहुत तेजी से बढ़ती है और 16 से 17 साल की उम्र तक उनकी हाइट लगभग मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है। ये
देखा गया है कि लगभग 13 साल की जो आयु है उस समय बच्चे की ग्रोथ इतनी होती है जो उसका बर्थ के समय जितनी हाइट होती है उससे लगभग 3 गुना हाइट तक उसकी हो जाती है। लड़कों में हाइट ज़्यादा बढ़ती है और फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में हाइट कम बढ़ती है। और जो ये हाइट बढ़ना है वो गर्ल्स में लगभग 16 से 17 साल की उम्र में हाइट बढ़ना रुक जाता है, जबकि बॉयज़ में लगभग 20 साल की उम्र तक हाइट में वृद्धि होती रहती है। इसी प्रकार से इस पीरियड में वेट में भी चेंज आता है और जो किशोर हैं वो वेट गेन करते हैं, साथ ही साथ उनके शरीर में चौड़ापन भी दिखाई देने लगता है। डाइजेस्टिव यानी हमारी पाचन जो पाचन तंत्र, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तंत्र और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। हमारे बॉडी टिश्यूज स्केलेटन बड़े हो जाते हैं, यानी कि हमारी हड्डियों की डायमेंशंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है और उसी अनुपात में हमारे बॉडी टिश्यूज में भी वृद्धि होती है। और जो मेन जो फीचर है किशोर अवस्था का वो है अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इस समय बच्चा एक बच्चे से एक वयस्क व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो रहा है और ये जो विशेषता है जो बीइंग अ मेल और बीइंग अ फीमेल ये किशोर अवस्था में ही बच्चे में दृष्टिगोचर होती है। तो इस समय गर्ल्स में फेमिनाइन ट्रेट्स और बॉयज में मैस्कुलिन ट्रेट्स डेवलप होने लगते हैं। लड़कों में पुरुषोचित गुण और लड़कियों में स्त्रियोचित गुण डेवलप होने लगते हैं, जैसे लड़कियों में मासिक स्राव का शुरू होना और बॉयज में आवाज का परिवर्तन होना, मुंह छाना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने पड़ते हैं। इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन इस समय स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरी तरीके से डेवलप्ड फॉर्म में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इमोशनल डेवलपमेंट की। ये जो पीरियड है ये हाइटेंड इमोशंस का होता है। हाइटेंड इमोशंस मतलब इस समय बच्चों के संवेगों में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। वजह यही रहती है कि इस समय हार्मोन चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्मोनल सिक्रेशंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनमें संवेगिक परिवर्तन बहुत तीव्रता से होते हैं। ये देखा गया है कि इस तरीके के बच्चे किशोरावस्था में बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और इमोशनली बस हो जाते हैं। बहुत गुस्सा आना, बहुत जल्दी परेशान होना, ये जो किशोरावस्था के विशेषताएं हैं। इन बच्चों के मूड में स्विंग्स आते हैं, मूड में उतार चढ़ाव आता रहता है। अपने लिए बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, उनमें दिवा स्वप्न देखने में आता है। बहुत एक एक जो खास विशेषता है किशोर एग्रेसिव बहुत ज्यादा होते हैं, आक्रामक बहुत ज्यादा होते हैं और प्लस एक प्रेम संबंधों में झुकाव, क्योंकि अभी उनमें सेक्स हार्मोन्स सीक्रेट होना स्टार्ट हुए हैं तो विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति उनका आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। एडोलेसेंट पीरियड को उसमें होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से एक पागलपन का पीरियड भी कहा जा सकता है। इस समय जो इमोशन ऑफ लव जो डेवलप होता है वो नेचर में 3 प्रकार का हो सकता है। पहला रहता है ऑटो इगोटिज्म, मतलब सेल्फ लव। बच्चे जो किशोर है वो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और एक तरीके से उनके सारी चीजें खुद से शुरू होके खुद पे ही खत्म होती हैं। वो दूसरों की तुलना में अपने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा जो नेचर लव का देखने में आता है वो होमोसेक्सुअलिटी।
अपने स्व जातीय व्यक्ति के प्रति प्रेम, जो पीयर ग्रुप के प्रति उनके डेडिकेशन के रूप में स्पष्ट रूप से देखने में आता है। तीसरी चीज है हेट्रोसेक्सुअलिटी, यानी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण है, जो काम भावना जो वो दिखाते हैं, वो इस पीरियड की एक खास विशेषता है। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की, बौद्धिक विशेषताओं की। ये वो समय है जब बच्चे के मस्तिष्क का पूरी तरीके से विकास हो चुका है। इस समय बुद्धि पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी होती है। किशोर का स्पैन ऑफ अटेंशन एक सामान्य बच्चे से, एक कम आयु के बच्चे से ज़्यादा होता है। उसकी मेमोरी का पूरी तरीके से विकास हो चुका होता है। वो इमेजिनेशन की क्षमता का, एक दिवा स्वप्न देखने का, एक सोचने की क्षमता बच्चे विकसित कर चुके होते हैं, और साथ ही साथ उनकी रुचियों में भी वैरायटी देखने को मिलती है। यदि हम बात करें पीयर्स के साथ उनके रिलेशन की, तो किशोरावस्था में पीयर्स मतलब फ्रेंड्स, साथी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और परिवार का प्रभाव उन पर कम होने लगता है। अर्थात जो किशोर हैं वो अपने माता पिता से ज़्यादा अपने फ्रेंड से अपने को अटैच्ड महसूस करते हैं, और पीयर ग्रुप उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सामाजिक शक्ति का काम करते हैं। जैसे उनके जिस प्रकार के दोस्त होंगे उसी प्रकार का वो कार्य करने लग जाते हैं। उनके डिसीजंस, उनकी एक्टिविटीज, उनके सारे एक्शन ज़्यादातर उनके फ्रेंड सर्कल से प्रभावित होते हैं। अपने दोस्तों के अप्रूवल के लिए वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट जहाँ तक बात आती है, एक किशोर अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर चुका होता है। अब उसे केवल ये समझना है कि परिवार में मेरा क्या स्टेटस है और सोसाइटी में मेरा क्या स्टेटस है, ये वो लगभग समझ चुका होता है। और यदि वो अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से नहीं समझा है, इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से ग्रोन अप भी नहीं है, परिवार के बड़े सदस्य उसे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व भी नहीं करते हैं, तो जो किशोर है वो कंफ्यूज स्टेट में आ जाता है, और जो उसके लिए बाद में हानिकारक हो सकती है। और एक चीज और होती है कि इस समय एडोलेसेंट्स अपनी शेयरिंग के लिए क्लोज फ्रेंडशिप्स को ढूंढते हैं, ऐसे मित्र की तलाश करते हैं जिससे वो हर एक बात शेयर कर सके, तथा वो विपरीत लिंगी व्यक्ति में इंटरेस्ट भी शो करने लगते हैं, और ये स्वाभाविक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।